हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मंजन। आज हम इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी कंपनियों के अंदर हुआ है, और ये एक लेटेस्ट न्यूज़ है जो कल और आज हुआ है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो है, फोर्टिस हेल्थ केयर विल एविलेट द बाइंडिंग बिट्स इट रिसीव्ड विद एडवाइजर्स। तो फोर्टिस हेल्थ केयर की एक न्यूज़ है। दूसरी है, IFC इन्वेस्टेड 100 मिलियन इन महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस के लिए काफ़ी बेहतर है, तो उस स्टॉक पर आप नज़र रखिए। GE पावर इंडिया रिसीव्ड ऑर्डर वर्थ ₹468 करोड़ फ्रॉम भेल। तो ये भी आप नज़र में रखिए GE पावर के ऊपर। ISGEC हैवी इंजीनियरिंग एमर्ज्ड एज लोवेस्ट बिडर फॉर 700 करोड़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट। उसके बाद जो है, VST तिलस टोटल सेल्स डाउन 24% टू 3819 यूनिट्स वर्सेस 50। मीन्स इसके जो सेल्स है वो पहले से लगभग 25% डाउन हुए हैं। उसके बाद जो सद्भाव इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन्होंने राजस्थान प्रोजेक्ट में फाइनेंशियल क्लोजर किया है, मीन्स वहाँ से पेमेंट आ जाएगा। और क्वालिटी लिमिटेड का ये मैंने आपको बताया है, क्योंकि बायबैक और बोनस इशू अभी टाल दिया गया है। और देना बैंक के बारे में भी एक न्यूज़ आ रही है, और ये 60.5 लाख शेयर NSDL और SIDBI को बेचने वाले हैं। तो देना बैंक में तो फ़िलहाल हाथ न डालिए। PSU बैंक्स में काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया हाइक्ड MCLR बाय 10 बेसिस पॉइंट्स। तो ये भी एक बैंकिंग में न्यूज़ आ रही है। और GVK ग्रुप जो है वो लगभग 50% स्टेक ताज GVK होटल्स एंड रिजॉर्ट को बेचने वाले हैं, तो इन स्टॉक्स पर नज़र ज़रूर रखेगा। और एक फेडरल बैंक मधुरा माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है, उन्हें 720 से 750 करोड़ के अंदर खरीदने वाले हैं। तो फेडरल बैंक के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, और पहले भी मैंने फेडरल बैंक के बारे में कहा है, लॉन्ग टर्म के लिए लेकर आप धीरे धीरे रख सकते हैं। अशोका बिल्डकॉन रिसीव 22.4 करोड़ सेटलमेंट एग्रीमेंट विद NHAI। इसके बारे में भी बताया था, और अशोका बिल्डकॉन बोनस इशू भी कर रहा है, उसका भी वीडियो मैंने बताया है। विजय यादव अपॉइंटेड एज नॉन ऑफिशियल पार्ट टाइम डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ये नॉन ऑफिशियल पार्ट टाइम डायरेक्टर रहने वाले हैं, और ICICI प्रूडेंशियल अप्रूव्स अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ NS खनन एस MD एंड CEO। और उसके बाद टाटा कॉफ़ी के अंदर अच्छी न्यूज़ आ रही है। शेयर टाटा कॉफ़ी रिसीव्स शेयर होल्डर्स एंड नोट टू रीअपॉइंट संजय सरीन एज MD एंड CEO एंड चको पुरक्कल थॉमस एज डेप्यूटी CEO। तो इसी न्यूज़ के कारण जो है, टाटा कॉफ़ी में काफ़ी सारी मोमेंट देखने को मिली। तो ये आज बताना था ये सारी चीज़ें, ताकि आप इन पर गौर करें कौन सी कंपनी क्या कर रही है, और इसी के चलते स्टॉक्स में हलचल हो सकती है। तो आज इसी के बारे में बताना था। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। चलिए, थैंक यू।